हेलो। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को एक स्केलर यानी कि एक नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हमारा मैट्रिक्स जो है, हम उसे मैट्रिक्स ए बुलाएंगे। ये जो 3-1, 5-2 है, और हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर 2 से। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, हम उसे मैट्रिक्स सी बुलाएंगे। और हमें पहले ये पता होना है कि वो सी का ऑर्डर क्या है, तभी हम बोल सकते हैं कि उसके कितने एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स का ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि मैट्रिक्स का ओरिएंटेशन क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि ए का ऑर्डर 2x2 है, क्योंकि उसके 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो जब एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलता नहीं है, तो सी का भी ऑर्डर होता है 2x2। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से। तो हमें चाहिए C11। तो मैट्रिक्स जनरली हम जब कंप्यूट करते हैं, एक मैट्रिक्स ऑपरेशन करते हैं, हमेशा एलिमेंट बाय एलिमेंट जाते हैं। तो यहाँ हमें चाहिए C11। तो C11 है, जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो C11 मिलने के लिए स्केलर यानी कि 2 टाइम्स A11। सो 2 टाइम्स 3 है 6। C12 यानी कि ये टर्म चाहिए, तो वो होता है 2 टाइम्स -1 -2। तो आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये स्केलर को ले रहे हैं और उसके साथ जो मैट्रिक्स का जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो कोरिस्पोंडिंग टर्म सी का बन जाता है। तो ये वाला टर्म जो है, C12 चाहिए हमें, तो 2 टाइम्स 5 इज़ 10। कोरिस्पोंडिंग टर्म्स के साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई होता है और हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है। चलो एक एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। बट अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रेप कर रहे हैं और आपको कभी एक डाउट होता है और रिवाइज करना है, तो आप teachr.com पे भी जा सकते हैं और वहाँ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इन दिस केस स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको सीखना है आप, और जब वो लिस्ट आएगा तो आप उसको क्लिक करें और आपको यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी दिख जाएगा, आपको एग्जाम्पल्स भी दिखेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट भी लिंक होके दिखेगा। तो एक अच्छा ज़रिया है आपका सीखने का और ये टोटली फ्री है। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें अब हम मल्टीप्लाई करें ये वाला मैट्रिक्स विद द स्केलर -3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि ए का ऑर्डर है 2x3, 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। तो सी का भी ऑर्डर हुआ 2x3, 2 रो हैं, 3 कॉलम। अब स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट से। तो हमें चाहिए C11। तो C11 है -3 टाइम्स 5 इज़ -15। C12, सो स्केलर -3 टाइम्स A12 जो 0 है, तो 0। C13 है -3 टाइम्स -3 इज़ 9। C21 जो ये है -3 टाइम्स -1 जो है 3। -3 टाइम्स -2 जो है 6। और लास्ट वाला -3 टाइम्स 1 -3। तो सिमिलर टू जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा, उससे बहुत सिमिलर है ये भी एग्जाम्पल। जब हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली उस स्केलर को लेते हैं और हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जो मिलता है वो है उसका प्रोडक्ट। तो होपफुली आपको ये बहुत क्लियर हो गया है। थैंक यू।